अगर आप लोगों ने iPhone 13 अभी परचेज करा है सेल में, तो ये सभी एक्सेसरीज आपको अलग से लेनी ही पड़ेगी। एंड मैं आप लोगों के लिए इनके रिगार्डिंग सबसे बेस्ट डील्स लेके आया हूँ। सभी एक्सेसरीज का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो iPhone 13 के बॉक्स में आपको चार्जर तो देखने नहीं मिलता है, लेकिन एप्पल अपना ओरिजिनल 20 वोल्ट का एडाप्टर अलग से सेल करता है, जिसकी प्राइसिंग है अराउंड 1799 रुपीज। आप लोग इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को थोड़े सस्ते में अच्छी क्वालिटी वाला चार्जर चाहिए, देन आप लोग एल्किन का 20 वोल्ट का पीडी चार्जर परचेज कर सकते हो, जो कि आपको ओनली 899 रुपीज का देखने मिल जाता है। ओवर 61,000 प्लस लोगों ने इसको रेटिंग दिया है, एंड ओवरऑल आपको 4 प्लस की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है एप्पल के ओरिजिनल 20 वोल्ट चार्जर का। देन यहाँ पे जो नीड होगी वो है केबल प्रोटेक्टर की। आईफोन के बॉक्स में आपको जो लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाती है, उसको जब आप लोग रेगुलरली यूज करोगे अपने फोन को चार्ज करने के लिए, तो जो उसका लाइटनिंग वाला साइड है ना, वहां से वो ब्रेक हो सकती है। सो आप लोग केबल प्रोटेक्टर का जो पैकेट है वो परचेज कर सकते हो। अराउंड 99 रुपीज में आपको 10 पीसेस मिल जाते हैं केबल प्रोटेक्टर के, जो कि काफी यूजफुल है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग अपने iPhone 13 को रेगुलरली यूज करते हो इंडोर या फिर आउटडोर, तो जो उसके स्पीकर्स है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है। सो इससे बचने के लिए आप लोग अपने iPhone 13 के लिए स्पीकर मैश परचेज कर सकते हो, जिसमें से आपको साउंड तो परफेक्ट बाहर सुनाई देगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल आपके स्पीकर में एंटर नहीं हो पाएंगे। सो स्पीकर मैश का 24 पीस केवल आप लोग 299 रुपीज में परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अपने iPhone 13 के लिए चाहिए होगा एक केस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो केसेस सजेस्ट करने वाला हूँ। एक है एप्पल का ट्रांसपेरेंट केस, लेकिन उसमें आपको मैगसेफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग 3699 रुपीज में परचेज कर सकते हो। तो ये मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा है, एंड महंगा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको मैगसेफ का सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है या फिर अल्टरनेटिव कह लो, वो है अमोजो का क्लियर ट्रांसपेरेंट केस। इसमें आपको मैगसेफ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, एंड आप लोग जस्ट इसको 279 रुपीज में परचेज कर सकते हो। केस की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, साथ के साथ थोड़ा ऊपर भी उठा हुआ है, तो आपकी डिस्प्ले भी बची रहेगी, एंड पीछे की साइड आपका कैमरा लेंस को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा ही रखेगा। ओवरऑल रेटिंग आपको 4.2 प्लस देखने को मिल जाती है। सो नेक्स्ट आपको चाहिए होगा अपने फोन के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड एक कैमरा लेंस प्रोटेक्टर। सो यहाँ पे आपको दो पैक्स देखने को मिल जाती हैं, दो स्क्रीन गार्ड मिलेंगे एंड दो आपको कैमरा लेंस प्रोटेक्टर देखने को मिलती हैं एलन की तरफ से, जो कि आपको जस्ट 399 रुपीज में मिल जाएंगे। ओवरऑल आपको 4.6 प्लस रेटिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे 19,600 से ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। सो बॉक्स में तो आपको ईयरफोन्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, तो अलग से ही आपको ईयरफोन्स भी परचेज करने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए एप्पल का ओरिजिनल ईयरपोड्स लाइटिंग कनेक्टर वाले, तो वो आप 1649 रुपीज में परचेज कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको चाहिए लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक का एक अडेप्टर, तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो ओरिजिनल एप्पल का, जो कि आपको जस्ट 749 रुपीज का देखने को मिल जाता है। सो जितने भी मैंने आपको एसेसरीज बताया हूँ, वो काफी सोच समझ के मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया था उनका, सभी का जो लिंक है परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके परचेज कर सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।